फ्रेंड्स वेलकम टू द चैनल. आज आई एम गोइंग टू शेयर द इन्फॉर्मेटिव वीडियो. इट्स ऑन रेड राइस कि रेड राइस है वो क्यों खाया जाता है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है. आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे कि वेट लॉस करना है तो वो खा सकते हैं या नहीं, फिर डायबिटीज़ वालों के लिए है परफेक्ट है या नहीं, मतलब वो सारे राइस से हेल्दियर है या नहीं. ये सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको अभी मिल जाएंगे. सो लेट्स सी दैट. अपने फ़ायदे देख लिए सारे, आपके सारे क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर होंगे आई होप सो. नाउ आई एम गोइंग टू कुक दैट, आई एम गोइंग टू शो यू. एक्चुअली आई एम डूइंग दिस फर्स्ट टाइम और मैंने प्रोफेशनली तो नहीं किया, मेरे पास बहुत कम टाइम था, थोड़ा जल्दी में किया है. बट फॉर योर रेफरेंस मतलब थोड़ा आइडिया मिल जाएगा आपको शायद से. सो प्लीज़ वॉच दैट. टेक 150 ग्राम ऑफ रेड राइस. नाउ वॉश इन द वाटर 2 to 3 टाइम्स मिनिमम, ताकि ये जो झाग है जो ब्राउन कलर का वो निकल जाए. अभी 2 ग्लास पानी आपको डालना है. अभी हम डालेंगे सॉल्ट एज़ पर योर टेस्ट, जितना मतलब आपको नमक चाहिए उतना. नाउ वी आर गोइंग टू टेक घी. घी विल बी 2 टेबल स्पून. घी से क्या होता है ना, ये दाना फूलता है इसीलिए. Now we are going to put it into the cooker for boiling. अभी इसको ढक देते हैं हम ढक्कन से, ताकि बाहर मतलब पानी ना आए उसका. Now we are going to close the lid and do the 10 to 12 whistles. If you feel के दाना कड़क है और then you can do more whistles. इसको बोलते हैं red matar rice. एक चीज़ क्लियर करना है आपसे कि मैंने उसमें घी डाला है 2 टेबल स्पून. फॉर द घी इज़ फॉर द पर्पस कि वो मॉइस्चर डालेगा राइस में एंड मतलब वो सूखा नहीं पड़ेगा राइस. सेकेंड थिंग इज़ उनसे राइस फ्लफ़ी होगा, स्पॉन्जी एंड फ्लफ़ी बनेगा, तो खाने में बड़ा मज़ा आएगा. ये आप और मैंने राइस को टमाटो सूप के साथ सर्व किया है. आप सांभार के साथ भी सर्व कर सकते हो, टमाटो सूप के साथ भी खा सकते हो. यू कैन मेक दिस रेड राइस पुलाव ऑल्सो, देन आप दही के साथ भी खा सकते हो. सो बहुत सारे फ़ायदे हैं यार इनके. सो प्लीज़ बनाना, जब भी आप बनाओ व्हेन यू ईट प्लीज़ पुट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको पसंद आया या नहीं. और हाँ, इसमें मैंने मिनिमम 12 whistles लिखा है वीडियो में. द रीज़न इज़ इनको एक्चुअली बहुत टाइम लगता है, बहुत मतलब नॉर्मल राइस अगर हम whistles करते हैं तो इट विल बी अ 2 or 3 whistles, बट दिस राइस मतलब वो वीट के दाने जैसा हो जाता है एंड इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ अ टाइम. तो 12 whistles करोगे तो वो अच्छे से फूल जाएगा, फ्लफ़ी हो जाएगा. बिकॉज ऑफ दैट आई हैव रिटन दिस मच. दैट्स इट फॉर टूडेज व्लॉग. तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव लाइक. बाय, टेक केयर.